नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं हमारा आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो बता दें कि ये जो खबर निकल कर आ रही है, आंगनबाड़ी बहनों को बहुत बड़ी एक राहत दी गई है कोर्ट द्वारा, उसको हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। और एक खबर और बहुत बड़ी समस्या जो है आंगनबाड़ी बहनों को लेकर निकल कर आ रही है, उसको भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी रद्द, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि आज कुछ दिन पहले बर्खास्त किया गया था, उसको लेकर कोर्ट ने जो है कि रद्द कर दिया गया है कि ये नियम कानून के प्रक्रिया को पालन करते हुए नहीं किया गया था, इसको बताते हुए कोर्ट ने रद्द किया है। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर बर्खास्तगी की कार्रवाई अवैध है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट का 2 दिन में जवाब देने के अवसर देना और जांच रिपोर्ट पर सुनवाई का मौका न देना पर्याप्त नहीं है। बर्खास्त करने से पहले सुनवाई का मौका देना जरूरी है। कोर्ट ने जिला कार्यक्रम अधिकारी बिजनौर के याची बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है और सभी परिलाभों सहित सेवा बहाली का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार के नियमानुसार नए सिरे से आवेदन देने की छूट दी है। तो इस तरह से ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी एक खबर निकल कर आ रही है। कोर्ट द्वारा जो है कि इनको बहुत बड़ी एक राहत दी गई है कि इस प्रक्रिया को वो गलत ठहराते हुए कोर्ट ने जो है कि इनको फिर बहाल कर दिया गया है। दूसरी आंगनबाड़ी बहनों के लिए खबर निकल कर आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फ़ोन दिया गया था, उसको उसमें कुछ समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी बहनें बहुत परेशान हैं। तो ये देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं ने स्मार्टफोन में नहीं चलता गूगल, तो बताइए अब स्मार्टफोन तो दे दिया गया है लेकिन अब उसमें व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल का इस्तेमाल आंगनबाड़ी बहनें नहीं कर पा रही हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है। अब बताइए कहीं डाटा फिट करना है, किसी को व्हाट्सअप करना है तो ये चल नहीं पा रहा है। तो इसका बहुत बड़ा एक समस्या निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। तो देखिए इसको विस्तार से, जैसा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए स्मार्टफोन में गूगल नहीं चलता है, इसे 28 सितंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चेहरे पे स्मार्टफोन लेते वक्त आई मुस्कान अब गायब हो गई है। स्मार्टफोन लेते समय आंगनबाड़ी बहनों के चेहरे तो खिले थे लेकिन अब जो है कि वो चेहरे जो है कि अब नहीं खिले हैं। दरअसल अनुपूरक पोषाहार के वितरण में अनाज की खपत का सही आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पोषण ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9,444 रुपये की दर से 116.48 करोड़ रुपये में 1,23,398 सैमसंग कंपनी के स्मार्टफोन खरीदे। इनमें से कुछ स्मार्टफोन 28 सितंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन में सिर्फ पोषण ट्रैकर ऐप चल रहा है। पोषण ट्रैकर ऐप चलने के सिवा इसमें कुछ नहीं चल रहा है, न ही सर्च इंजन गूगल और फेसबुक, व्हाट्सअप, इस तरह का जो है कि ऐप न डाउनलोड हो रहा है और न चल रहा है और न यूज कर सकती हैं आंगनबाड़ी बहनें। तो इसको लेकर ये बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हुई है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। तो ये थी जो है कि 2 बड़ी खबरें हम आपको दे दिए हैं। तो आप अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।